महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। जो सब्सिडी दी जा रही है, हम इसमें प्रावधान इस तरह से रखेंगे कि किसी के भी ऊपर सब्सिडी थोपी नहीं जाएगी। कई सारी महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं वो अपना टिकट खरीद के, सब्सिडी उनको लेने की जरूरत नहीं है। बस में भी टिकट खरीद सकती हैं, मेट्रो पे भी टिकट खरीद सकती हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा उनको इनकरेज करेंगे जो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी का इस्तेमाल ना करें, ताकि और दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सके। ऑफिसर्स को मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया है, एक हफ्ते के अंदर वो डिटेल्ड प्रपोजल बना के लाएंगे, दोनों डीटीसी भी और मेट्रो भी, कि इसको कैसे लागू किया जा सकेगा और कब से लागू किया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर इसको लागू किया जा सके। लेकिन आज हम जनता से उनके सुझाव भी मांगना चाहते हैं कि इसको लागू कैसे किया जाए, इसके ऊपर जनता के सुझाव चाहते हैं। एक ईमेल आईडी अभी मैं दे रहा हूं, delhiwomensafety@gmail.com, और एक एड्रेस है चेयरमैन डीडीसी 33 श्यामनाथ मार्ग दिल्ली 54। तो या तो चिट्ठी लिख के या ईमेल के जरिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये 2 बड़े कदम आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं। अगर आपके कोई delhiwomensafety@gmail.com नहीं, इसके लिए सेंटर की परमिशन की जरूरत नहीं है। जो भी इसका खर्चा है वो दिल्ली सरकार देगी। वैसे डिटेल्ड खर्चा कितना एग्जैक्टली आएगा उसका ब्यौरा दोनों से मांगा गया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इस साल बचा हुआ 6 महीने बचेंगे, मान लीजिए अगस्त में या सितंबर में लागू होती है, 6-7 महीने बचेंगे, तो दोनों का मिला के 700 से 800 करोड़ का खर्चा उम्मीद है बचे हुए साल के लिए आएगा। 33% दोनों का डेटा है, 30 से 33% है जो मेट्रो में भी और बस में भी ट्रेवल करती हैं। अभी डीटीसी की सारी बसों में मार्शल तैनात हैं, क्लस्टर की बसेस में नहीं है। आज ही मैंने उनको बोला है कि क्लस्टर बसेस के अंदर भी मार्शल तुरंत तैनात कर दिए जाएं। और कई सारी महिलाओं को ये पता नहीं होता कि अंदर मार्शल तैनात हैं, तो अंदर पोस्टर्स भी चिपका दिए जाएंगे बसेस के अंदर कि इस बस में मार्शल हैं, अगर किसी को जरूरत है तो आप शोर मचाइए, मार्शल आप तक पहुंचेगा। इस तरह से डीटीसी के लगभग 40 लाख की डेली की कम्यूटरशिप है, उसमें से 30% मान लीजिए, लेकिन यूनिक और कम कहें कि मल्टीपल राइडरशिप हो एक व्यक्ति। बसों की संख्या कितनी है डीटीसी और क्लस्टर मिला के? सभी बसेस के अंदर कैमरे लगाएंगे। पिछले 4-4.5 साल के अंदर सरकार ने फैसले लिए हैं। 4-4.5 साल के अंदर सरकार ने दिल्ली के लोगों की बिजली सबसे सस्ती कर दी, दिल्ली के लोगों का पानी मुफ्त कर दिया, दिल्ली के लोगों के स्कूल अच्छे कर दिए, अपने दिल्ली के अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला अच्छे कर दिए। तो ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है, और अच्छे काम करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, कभी भी अच्छे काम कर लो। मोबाइल फोन नीचे। नहीं, पहले हमने कहा था कि 50-50 सब्सिडी दे देते हैं। सबसे पहला तो हमारा केंद्र सरकार को निवेदन था कि आप ये किराया मत बढ़ाइए, केंद्र सरकार नहीं मानी। फिर हमने कहा भाई 50-50 हम दोनों का पार्टनरशिप है, तो 50-50 सब्सिडी दे देते हैं, जितना बढ़ाया उसके लिए भी केंद्र सरकार नहीं मानी। लेकिन अब ये जो हम करने जा रहे हैं, दिल्ली सरकार अपने ऊपर किराया वो वहन कर रही है, इसके लिए हमें
अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसका बैन कर रहे हैं। ये विमेन सिक्योरिटी में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मानती है सरकार। क्या चीज? हाँ, ये अभी इस महीने से, ये खुशखबरी है, इस महीने से बसेस आनी चालू हो जाएंगी। जो कितनी आएंगी इस महीने? 25 से 30 बसेस इस महीने के एंड तक आ जाएंगी। नवंबर तक 1000 बसेस आ जाएंगी, उसके अगले 4-5 महीने के अंदर और 1000 बसेस आ जाएंगी, और उसके अगले 4-5 महीने के अंदर और 1000। तो मुझे लगता है कि अगले 10 से 12 महीने के अंदर 3000 बसेस की डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी हो जाएगी। सभी में कैमरे लगे होंगे? दो से तीन महीने के अंदर, देयर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, कई सारे कैबिनेट प्रस्ताव, ये वो, अलग से बजट सेशन भी बुलाना पड़ेगा, एक सेशन बुलाना पड़ेगा इसको, बजट को वो करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के अंदर लागू हो जाना चाहिए। वो दिल्ली मेट्रो इज मेकिंग अ प्लान फॉर दैट। वही मैंने उनको बोला है कि आप एक हफ्ते के अंदर इसका डिटेल्ड प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए। यस, दे आर ऑन बोर्ड। किसके लिए? नहीं, परमिशन की क्या जरूरत है? सेंटर की? हम फेयर इंक्रीज नहीं कर रहे, हम तो सब्सिडी दे रहे हैं। कॉस्ट सरकार दे, जो कॉस्ट है दिल्ली मेट्रो की वो सरकार दे रही है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं। मैंने बताया आपको कि जो अब बचा हुआ साल है उसके लिए लगभग 700 करोड़ के करीब खर्चा आना चाहिए। ये प्रपोजल तो कैबिनेट का आना, बजट वो सारा तो करना पड़ेगा, वो फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेगी। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग पॉल्यूशन कैसे बन? अच्छा, इससे पॉल्यूशन कम होगा ना, ये जो प्रपोजल आज है इससे तो कम होगा पॉल्यूशन। वो कह रहे हैं 3000 बसें जुड़ जाएंगी तो पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा? 3000 बसें जुड़ेंगी तो पॉल्यूशन और कम होगा, गाड़ियां कम हो जाएंगी, कितने प्राइवेट व्हीकल, मोटरसाइकिल कम हो जाएगी, वो सब डिटेल्स बना रहे हैं। उनका फंड का अलग कारण है। आप ये आपको भी पता है कि फाइनेंशियल क्रंच फेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमानी के शिकार हो गए हैं वो कॉलेज। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वीसी को काम नहीं करने दे रही है वहां पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे गवर्निंग बॉडी फॉर्म नहीं करने दे रही है, इसलिए वो परेशानी में है। फंड क्रंच की वजह से नहीं है, फंड तो 2 मिनट में उपलब्ध हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे ना उनको यूनिवर्सिटी चलानी है कि बंद करनी है। तो आज हम दिल्ली मेट्रो और बसों के किराए पे इसको कंसल्टेट कर रहे हैं। तो इसका जो भी इसका खर्चा है वो सरकार दे रही है ना, दिल्ली सरकार। देखिए, जितना इसका खर्चा है वो तो दिल्ली सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार बियर कर रही है। हम अगर ये कहते कि भाई दिल्ली मेट्रो, दिल्ली डीटीसी को ये खर्चा खुद वहन करना पड़ेगा तब गलत था, दिल्ली सरकार इसका खर्चा वहन करेगी। और वर्ल्ड वाइड भी देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन इन्वेस्टमेंट टू द वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाती है या उसको सब्सिडाइज करती है तो इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी। अगर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ती है इससे तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सरकार भी ऐसे करेगी। देखिए, एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, आज दिल्ली सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है वो हम अपनी जेब से तो नहीं दे रहे, वो आप ही का पैसा है। आज दिल्ली अकेली सरकार है जो कि घाटे में नहीं चल रही,
फायदे में चल रही है और इतनी सारी सुविधाएं दे रही है अपने लोगों को, वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि आज दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है। कुछ हमारे विरोधी कहते हैं कि आप तो बिजली भी फ्री कर दी, पानी भी फ्री कर दिया, ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दिया, स्कूल भी फ्री कर दिए, अस्पताल भी फ्री कर दिए, तो इसमें तो खुश होना चाहिए। मतलब अगर ये आपका सारा पैसा हम चोरी कर लेते तो ठीक था, लेकिन हमने चोरी नहीं की। मनीष जी ने ईमानदारी की, मैंने ईमानदारी की, कैलाश गहलोत ने बसों की परचेज में पैसे नहीं खाए और वो जो पैसा बचा वो आपको फ्री बिजली देके, फ्री ट्रांसपोर्ट देके दे दिया, तो आपको तो खुश होना चाहिए। जो भी आना चाहे, ऑल द फीमेल्स नाउ आर विल बी फ्री, तो चाहे वो बीपीएल हो चाहे नॉन बीपीएल। यू आर सेइंग मेल्स ऑल्सो, यू आर सेइंग एक बार इसको लागू करते हैं फिर देखते हैं। राइट नाउ आर मेन दिस थिंग इज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन, एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन ये दो कदम आज मेजर उठाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने मेट्रो के सामने रखे हैं और वी विल बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद यू, बार बार हम आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। इस प्रपोजल की जो जो चीजें अब फाइनलाइज होती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं सभी पत्रकार मित्रों के, आप इसके ऊपर अपने ईमेल के ऊपर अपने सुझाव भेज सकते हैं। वी विल कंसिडर ऑल दो सजेशन। थैंक यू। कुछ आप लोग पूछेंगे कि क्या इसकी वजह से मेट्रो में कंजेशन बढ़ जाएगा। जब फेज थ्री कंप्लीट हो चुका है, फेज थ्री का जो डीपीआर बना था फेज थ्री के कंप्लीशन के बाद डेली राइडरशिप 40 लाख एंटीसिपेट की गई थी, प्रोजेक्ट की गई थी कि डेली 40 लाख लोग मेट्रो में ट्रैवल करेंगे। मार्च 2017 में 28 लाख कम्यूटर डेली ट्रैवल किया करते थे। उसके बाद मेट्रो के किराए बढ़ाए गए और अब लगभग 25 लाख कम्यूटर डेली ट्रैवल करते हैं। तो 40 लाख की कैपेसिटी है आज दिल्ली मेट्रो की, जिसके अगेंस्ट में 25 लाख केवल ट्रैवल कर रहे हैं। इन 25 लाख में 30% अगर करें तो 8 लाख महिलाएं डेली ट्रैवल करती हैं। अगर इसकी वजह से 10% भी महिलाएं इंक्रीज कर जाती हैं तो लगभग 1 लाख एडिशनल कम्यूटर्स आते हैं, तो 1 लाख से 26 लाख हो जाएगा। जो मार्च 2017 में 28 लाख था वो भी टच नहीं कर रहे अभी हम, इसके बाद कोई कंजेशन नहीं होने वाला। दूसरा, पूरे देश के अंदर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, जितने लोग काम करते हैं उसमें महिलाओं की संख्या पूरे देश में 27% है, दिल्ली के अंदर वो केवल 11% है। सो दिल्ली में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज मच लेस। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्टेप के बाद महिलाओं का जब ट्रैवल फ्री हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं काम पे निकलने के लिए प्रोत्साहित होंगी। थैंक यू।